हम है देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी करो जल्दी करो, कोई चीज भी नहीं भूलना। इस्फहान सुल्तान बहुत सूद नजर है, अगर उन्हें खाना पसंद ना आया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आपका खाना कौन पसंद नहीं करेगा? ये आप ही क्या डियर कुत्ता है? रुके, छोड़े। वालिदा सुल्तान आ गई तो नुक्स निकालेंगे, फिर उठे और चले जाएं यहाँ से। चले जल्दी करें, चले जल्दी करें। मैं बस वो थोड़ा सा। ओ बस, कुछ नहीं सुनना मुझे, देर हो रही है, जाएं यहाँ। लेकिन जाते जाते ये बता दो कि मैंने खाना बचाया है बावर्ची खाने में। बिल्कुल खातू जाए ठूसे। रुके, ये नहीं उठाया यहाँ से, मैंने कहा था आपको, कुछ नहीं सुनती है। खुश आमदीद। बाला, मुझे ये दौरा कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। खुश आमदीद कहते हैं हम अपने दोस्तों को, लेकिन दुश्मनों के लिए सिर्फ हथियार हैं। ठीक कहा, लेकिन इस्फहान सुल्तान अकेली आई है। इस्फहान सुल्तान तशरीफ लाइए। तवज्जो फरमाए, वालिदा इस्फहान सुल्तान आ रही हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। सिपाहियों, हमारी अगली मंजिल खोनिया है, आ जाओ। जैसे आपका हुक्म जनाब। वज़नान जो 1000 घुड़सवार भेज रहा है वो रास्ते में है। वो घुड़सवार आने दो, ने इस जमीन को हमसे कोई नहीं बचा सकता। जंगजुओं को तैयार करो, हम कोनिया जाएंगे। इस जगह के असल मालिक हम हैं। हजार घुड़सवार समागर को और मजबूत बनाएंगे। कमांडर समागर, इस्फहान सुल्तान ने पैगाम भेजा है। का
सिपाही के सरदार उस्मान साहब कोनिया आ रहे हैं, उनका ऐसा इस्तकबाल कीजिए जिसके वो मुस्तहिक हैं। उस्मान, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, आने दो उसे, मौत उसे गले लगाएगी। क्या ख्याल है आपका मार्था? आपको लगता है कि आप इस पुरानी हवेली को महल में तब्दील कर सकती हैं? बस आप हुक्म कीजिए मेरी सुल्तान। लुत्फ उठाए। क्या है ये? क्या खिदमत ऐसे की जाती है? बेवकूफ कहीं के। मगर मैंने क्या किया है? चुप रहो, चली जाओ यहां से। इस्मिहान सुल्तान, ये बस सुलूकी है, इस तरह फेंकते हैं अगर ना पसंद हो तो। बदसुलूकी। मैं सलजूक रियासत की वालिदा सुल्तान हूँ, ऐसा खाना आप मुझे कैसे पेश कर सकते हैं? जाहिर है आज इसका जायका अच्छा नहीं है इस्मिहान सुल्तान, इससे ज्यादा आपको वजाहत नहीं दे सकती। खातून, मुझे लगता है आप भूल गई हैं आप किससे बात कर रही हैं। आप चाहती हैं मैं आपको याद दिलाऊं? कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम किसी को कीमत अदा करने के लिए नहीं बल्कि लोगों से हिसाब लेने के लिए जाते हैं इस्मिहान सुल्तान। आपने खाने के साथ जो किया वो बेइज्जती है, बात ना बढ़ाएं। सबके लिए खाना एक मौजू के तहत पकाया जाता है, इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन हम अभी इस वजह से अपना दिन नहीं खराब करना चाहते इस्मिहान सुल्तान। सच कहती हैं आप आयशा खातून, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसे नजरअंदाज करती हूं। इस्मिहान सुल्तान, आप मेरे घर खाने पे तशरीफ लाएं ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन खाना पकाऊं। आह, आह बेंगे खातून, आप यहां रहने के लायक नहीं हैं। आपको कोनिया में होना चाहिए, शादी में तुम्हारी महारत देखी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई जो बुरी थी, ठीक कहा ना खातून? इस दस्तरखान पर इसलिए हूं क्योंकि बुलावा सुल्तान की तरफ से था। काइयों ने मुझे तमाम तुर्कमानों के सामने शर्मिंदा कर दिया। और अब वो मेरी बेटी के नाम से शर्मिंदा कर रहे हैं। अपनी हद में रहें खातून, अपनी हद में रहें। आपने वही किया जो आप चाहती थी, अगर तुम उन्हें जाने तो मैं। मैंने अपनी बेटी का बेहतरीन मुस्तकबिल सोचा। बाला खातून, आप मेरी बेटी को उसकी शादी से उठाकर ले गई और अब आप मुझे इस बात का ताना दे रही हैं मलून खातून।
आपको अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। अगर ये सच होता तो आप उसकी बाइंडर से शादी की मुखालफत करती। चुप रहे, बहुत हो गया। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सुल्तान अलाउद्दीन से बात करना चाहते हैं। थोड़ा ध्यान से सिपाही, सुल्तान अलाउद्दीन ने यह घोड़ा तोहफे में दिया है मेरे जनाब को। सच्चाई जानने से पहले शक नहीं करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। सिपाही, मैं कोनिया में भी रह चुका हूं, दुरुसुन फकी। ये उस्मान साहब के छोटे बेटे अलाउद्दीन साहब हैं। अगर तुम हमें रोकते हो तो हम तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। दुरुसुन फकी, मुझे माफ कर दें। खुश आमदीद, आ जाइए। चलिए। दुरुसुन फकी, आप कानून जानते हैं, आप अपने हथियार देने से पहले अंदर नहीं जा सकते। मेरे भाई, ये ना करो। सिपाहियों को अपनी तलवारों की जरूरत है, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। हम कानून की पासदारी करेंगे। इस तरफ हमें जगह मिल गई है हुजूर। सुल्तान क्या यहां है? सुल्तान मसूद, जिल्लत तो तुम सब के खून में शामिल है। मैं यहां तुम सबको तुम्हारी जगह दिखाने आई हूं।
मुनासिब तो वो भी नहीं था जो आपने बेंगे खातून के साथ किया था। लेकिन इसने वही किया जो इसके लिए मुनासिब था और समझदार बनकर मेरे साथ यहाँ आई। अब आपने जो कुछ किया इसके साथ उसके लिए बेंगे खातून से माफी मांगे। इस्मेहान सुल्तान, आप जानती हैं कि आखिर आप कह क्या रही हैं? हमने किसी की तजलील नहीं की, हमने जाकर लड़की का निकाह में हाथ मांगा। अलचिचे को इसीलिए अगवा किया ताकि वो किसी ऐसे शख्स से शादी ना करे जिससे वो मोहब्बत नहीं करती। ठीक कहा आपने आयशा खातून। आलचिचे को अगवा किया और जब शादी की दावत रखी गई तो आपने उसे उसके बाबा के घर वापस भेज दिया। अब तमाम लोग आलचिचे के बारे में बातें कर रहे हैं। ये एक नौजवान खातून के मुस्तकबिल की बात है, क्या बच्चों का खेल है ये? मैं दोबारा कहूंगी, माफी मांगो। हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे इस्मेहान सुल्तान, आपका ये सुलूक ही हमारे लिए काफी है। दोस्ती रखनी है तो हमारा ये खाना खाएं और यहाँ से जल्दी चली जाएं। और दुश्मनी चाहती है तो इंसाफ से काम लें। अपनी तलवार क्यों नहीं निकाल लेती? तुम मुझे किसके घर से निकाल रही हो खातून? अपनी तमाम चीजों के साथ अपने कबीले में वापस चली जाओ। हवेली तुम्हारे लिए क्या है? ये हवेली अब से मेरी होगी। मार्था, तुम इस जगह को महल बनाओगी। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरी सुल्तान। तो आप हमारी हवेली लेना चाहती हैं? अब आप यहाँ मेहमान नहीं है इस्मेहान सुल्तान। ये अब बहुत हो गया। बाला, बाला, बाला पुरसकून हो जाओ। हद्दे अदब खातून। सलजान अम्मा ठीक कहती थी कि अगर कोई मेहमान घर का मालिक बनने की कोशिश करे तो, जैसा कि आपने हमारा मालिक बनने की कोशिश की, तो उसके साथ हथियारों से निमटना चाहिए। छोड़ो मुझे। बाला, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया है उस्मान। तुम्हें मारना अब मेरी किस्मत में लिखा है। मेरी किस्मत तुम्हारे हाथों में तो हरगिज भी नहीं है। सुल्तान मसूद कहाँ है? वो यहां नहीं है और ये मसूद का कमरा नहीं है, तुम्हारी कब्र है। साहब, तो आप ये वक्त आपके लिए तमाम जुल्म सितम की अदायगी के बदले का वक्त है। तो क्या तुम मेरा हिसाब लोगे गद्दार? आपको तकलीफ उन लोगों की तरफ से ही मिलती है जिन्हें आप कमतर समझते हैं। इसकी सजा देने का वक्त आ चुका है आज। रुक जाओ, ये मेरा शिकार है। चल दो, हमला करो। Yes.
तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी जमीनें हमारी होगी। काई सरदार के हाथ में मामूली सी अंगूठी। मेरी अंगूठी को छुआ तो हाथ काट दूंगा। अब ये कटेगी नहीं, फांसी लगाई जाएगी। गले में रस्सी हो तो भी भेड़िया ही रहूंगा मैं, लेकिन तुम पैरों पे खड़े होकर भी गिदड़ ही रहोगे। जब मैं फिर से खड़ा होऊंगा तो तुम मुझसे हर किसी को इसका हिसाब देना होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुर्कमानों के मुहाफिज उस्मान साहब का बेटा शहजादे अलाउद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन की मौजूदगी में एक अहम मामले पर बात करना चाहते हैं। आपने कब से बगैर इजाजत महल में घुसना शुरू किया है? कौनिया से सरहदी इलाकों में जाकर आदाब को भूल गए हैं? नाराज न होना अलाउद्दीन साहब, सुल्तान होना एक सरदार की तरह नहीं है। और हमारे महल की अजमत इसकी दलील है। आप इस अजमत के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अजमत सिर्फ अल्लाह के करीब होने से मुमकिन है, और कोई भी दुश्मन नहीं है हमारे पास। हम वहां आपकी मेजबानी करना चाहेंगे, मगर अब हमारे रास्ते से हट जाएं। ये मसाला अहम है। मुहाफिजों, दरवाजा खोलो। इसे मैं देख लूंगा। वाह उस्मान साहब वाह, खुद को देखें जरा। हाँ, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। आपने हमेशा ही बाइंदर को हकीर समझा है। अब बारी मेरी है। उस्मान साहब, गीदड़ों की हुक्मरानी, भेड़िए के उड़ते ही खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कर सकते, बच के नहीं भाग पाओगे। रुक जाओ, जिंदा रखो इसे। मुझसे मेरा शिकार छीनने की कोशिश मत करो बाइंदर। तुम इधर आओ। वालिदा सुल्तान तुम्हारा सर काट कर रख देंगी, उन्होंने हुक्म दिया है। लेकिन क्यों? कबाइल उस्मान पर एतमाद करते हैं। अगर हमने इसे मार डाला तो वो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। पहले हम इसे गद्दार साबित करेंगे, उसके बाद इसे मार डालेंगे। अपने आदमियों को रोको। तुम एक भेड़िए का शिकार मुझसे छीन रहे हो, नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरी बार सोच लो बाइंदर। इसे पकड़ो, जिंदा रखना इसे।
मुझे लगता है कि हमारे भाई मुश्किल में, जल्दी चलो, हम आ गए हैं हुजूर। मेहमान के बजाय आप मेजबान बनना चाहती हैं इस महान सुल्तान? हरगिज नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती। मैं आपको वो नहीं लेने दूंगी जो मेरे सरदार का है। बल्ला पर सुकून हो जाओ। छोड़ो मुझे मलहून। बात को समझने की कोशिश करो। क्या तुम खुद नहीं सुन रही? अभी नहीं, बस करो, छोड़ो मुझे। बाला मलहून, मैंने कहा ना इन सबको पकड़ लिया जाए। सिपाहियों, बाला ये सही वक्त नहीं। मैंने कहा ना, मुझे जवाब देने दो। मलहून, बाला खातून, ये क्या कर रही है? ये वालिदा सुल्तान है। हाँ होंगी ये वालिदा सुल्तान, लेकिन ये सराय उस्मान साहब की है और उनकी खातून हूँ मैं। हम आपको ये नहीं देंगे, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। मौत से नहीं डरते, जान की परवाह नहीं, चाहे तो इस वजह से मार डालो हमें। सिपाहियों, आप बस हुक्म कीजिए। हुकुम करें, हम इन सबको मार देंगे वालिदा सुल्तान। यही बेहतर है कि पहले आप अपने आप को बचाएं। बाला छोड़ दो मुझे। तलवारें नीचे करो। सिपाहियों, माशाल्लाह, अब मुझे पता चला कि उस्मान साहब को ये ताकत कहां से मिलती है। बाला खातून, अगर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया होता तो ये बहुत मायूस कुन बात होती। आखिर आप क्या कहना चाह रही हैं वालिदा सुल्तान? मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि बहादुर कौन है। और देख लिया जो देखना था। और मैं बहुत खुश हूं। गौर से देखिए वालिदा सुल्तान, ये आंखों का धोखा भी हो सकता है। मेरी आंखें कभी गलत नहीं होती मलहून खातून। जितनी जल्दी हो सके मैं आपसे बात करना चाहती हूं। बाला खातून, मैं आपको बेहतर तौर पर जानना चाहती हूं।